नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हुए खबरों की तरफ, गोवा से खबर है। गोवा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस वार्ता, उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत है। गोवा में बीजेपी विधायकों के हौसले बुलंद है। जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की और इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बीजेपी विधायकों के हौसले बुलंद है। गोवा सरकार ने बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया, आगे भी गोवा की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। स्वयं पूर्ण गोवा की योजना भी कारगर हुई, उन्होंने कहा, और साथ ही गोवा में केंद्र की योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल। प्रमोद सावंत की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे, उन्होंने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि प्रमोद सावंत की अगुवाई में ही बीजेपी गोवा में आगे बढ़ेगी और बेहतरीन काम वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। स्वयं पूर्ण गोवा की जो योजना वो भी कारगर हुई है। कुल मिलाकर के उन्होंने तारीफ की है, जिस तरीके से मैनेजमेंट वहां पर देखा गया और साफ तौर से ये संदेश भी दे दिया कि प्रमोद सावंत की अगुवाई में ही आगे बढ़ा जाएगा। प्रेस वार्ता की तमाम बड़ी बातों का जिक्र बीजेपी नेता ने किया। कर्नाटक सियासी संकट को लेकर बड़ी खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि कर्नाटक में येदियुरप्पा का जाना लगभग तय माना जा रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा का जाना तय है। आज या कल शाम तक नए सीएम के नाम का फैसला संभव। अब ऐसी खबर है, आज शाम या फिर कल शाम तक नए सीएम के नाम का फैसला संभव। कर्नाटक सीएम बी एस येदियुरप्पा ने कहा है कि क्या निर्देश होगा मुझे नहीं पता। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि क्या निर्देश होगा लखमान का, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। येदियुरप्पा के समर्थन में लिंगायत संसद की बैठक भी वहां पर लगातार हो रही है। अब इसी बीच ये खबर जानकार सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं कि लगभग ये तय माना जा रहा है, येदियुरप्पा की विदाई जल्दी हो सकती है या फिर आज या फिर कल शाम तक नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है, फैसला संभव। और साथ ही बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि क्या निर्देश होगा लखमान का, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करना है वो केंद्रीय नेतृत्व ने ही करना है, जो फैसला उनका होगा वो सराहों पर। क्या पंजाब में कैप्टन के लिए बढ़ती उम्र बनेगी बाधा? अब ये बड़ा सवाल भी है कि क्या पंजाब में कैप्टन के लिए बढ़ती उम्र बनेगी बाधा? कांग्रेस पंजाब में अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए क्या करेगी? बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए भी, क्या कांग्रेस पंजाब में अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए कुछ बदलाव वहां पर कर सकती है? अगर नहीं तो फिर क्या करेगी? पंजाब में मुख्यमंत्री सिख तो फिर प्रदेशाध्यक्ष गैर सिख बनाने की परंपरा, ऐसी स्थिति में आगे सिद्धू को ही बनाया जाएगा पंजाब का कैप्टन, ये खबर है। सिद्धू की रिक्त सीट पर गैर सिख यानी कि किसी हिंदू को कमान मिल सकती है, ये जानकारी, ताकि प्रदेश में सिख और हिंदू वोटर्स में साधा जा सके संतुलन बैठाने की कवायद लगातार हो रही है, लंबे वक्त से आप ही देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कैप्टन की मर्जी के बिना इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस लखमान के लिए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस कैप्टन बिना किसी भी स्थिति से नहीं पा सकती है पार। अब ये हर कोई जानता है कि पंजाब में जो कद है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उसके बिना किसी भी स्थिति से कांग्रेस पार नहीं पा सकती है। और आगामी दिनों में पंजाब की सियासत में देखने को मिल सकते हैं कई दिलचस्प नज़ारे। अब ऐसी भी खबर है कि आने वाले दिनों में कोई बड़े सियासी घटनाक्रम हो सकते हैं, पंजाब की सियासत में अलग अलग तस्वीरें उभर करके सामने आ सकती हैं, दिलचस्प नज़ारे दिखाई दे सकते हैं, इसका इंतजार भी सभी को है। ब्राह्मण वोटों पर मायावती की निगाहें, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चली है। ब्राह्मण वोटों पर मायावती की निगाहें हैं लगातार, उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म है। भाजपा को शंका, चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण वोटों को साधा जाए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है मायावती की। और साथ ही भाजपा को शंका है कि चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है, नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इससे बचने के लिए पूर्व संगठन महामंत्री को लाने की सलाह दी गई है। पूर्व संगठन मंत्री ब्राह्मण, राजनीतिक समझ भी उनकी दुरुस्त है, लेकिन उनका नरेंद्र मोदी के साथ पहले से 36 का आंकड़ा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश भाजपा कोई जोखिम उठाने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है चुनाव से पहले, और मोदी की सहमति के बगैर नियुक्ति भी संभव नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मोदी की सहमति के बगैर नियुक्ति नहीं होगी तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा कोई जोखिम उठाने के मोड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, आगे क्या होता है नजर लगातार बनी। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के रुझान आने लगे हैं, ये महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की
और बढ़ता मुसलमानों का प्रेम, अब ये समाजवादी के लिए अच्छी खबर है, अच्छे संकेत है, आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ता मुसलमानों का प्रेम। सपा सुप्रीमो अखिलेश पर जता रहे अपना भरोसा और साथ ही 21% मुस्लिम, 9 से 10% यादव वोट सपा को मिलने का अनुमान है। चाचा शिवपाल और चौधरी जयंत को भी साथ लाने में अखिलेश सफल दिखाई दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी साथ लाने के लिए अखिलेश की लगातार वार्ता चल रही है। वहीं कुर्मी वोटर्स को लुभाने के लिए अनुप्रिया पटेल की मां बहन से संपर्क वो लगातार साध रहे हैं और सपा को मजबूती देने के लिए अखिलेश यूपी में छोटे छोटे दलों से तालमेल बिठा रहे हैं। अब कितने सफल अखिलेश आने वाले विधानसभा चुनावों में हो पाते हैं इसको लेकर लगातार नजर है, लेकिन जो अभी सर्वेज लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं वो सत्ता सिंह पार्टी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, आप इसे मानिए, क्योंकि बीजेपी लगातार आश्वस्त है। उसके इतर जो सर्वेज है उनमें अखिलेश के लिए अच्छे संकेत है, रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ता मुसलमानों का प्रेम दिखाई दे रहा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश पर भरोसा मुसलमान जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आप कहें या फिर और दलों के लिए भी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। दीदी की नसीहत को अमल में लाते टीएमसी सांसद, दीदी की जो नसीहत उसको अमल में लाते हुए टीएमसी के सांसद दिखाई दे रहा है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का स्पेस कवर करने की दी नसीहत, दीदी ने पहले ये नसीहत दी थी। ममता के इनपुट पर टीएमसी सांसदों ने सदन के अंदर बाहर उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी टीएमसी ने ओवरशैडो कर दिया है। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जब सदन में पेगासस प्रकरण में बयान दे रहे थे, सफाई दे रहे थे, तो टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनके बयान की कॉपी छीन कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि इस मसले पर शांतनु सेन को पूरा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इधर खुद ममता ने भी शहीदी दिवस से अखिल भारतीय नेता बनने का मैसेज दिया और शहीदी दिवस से दीदी ने अपने राष्ट्र मिशन का भी आगाज कर दिया है। अब जो दीदी ने कहा है वही मानते हुए सांसद दिखाई दे रहे टीएमसी के। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है द न्यू सेंटर ऑफ कॉरपोरेशन, केंद्र में नया सहकारिता मंत्रालय राज्यों के लिए अलार्म है। अब ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, केंद्र में नया सहकारिता मंत्रालय राज्यों के लिए अलार्म, गुजरात में भाजपा को डेयरी कोऑपरेटिव के जरिए हुआ फायदा और पूरे देश में 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज, 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल और 1,482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या 58, राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं सरकारी संस्थाएं। अब ये इंडिया टुडे की पूरी रिपोर्ट है, उसमें ही ये डेटा दिया गया है। डीओपीटी का हालिया सर्कुलर ने सभी को चौंका दिया है। डीओपीटी का हालिया सर्कुलर जिसने सभी को चौंकाया, देश के तमाम नौकरशाहों पर कंट्रोल का ये सर्कुलर है, आप मानिए। अब वो नौकरी में रहते और रिटायरमेंट के बाद नहीं लिख सकते कोई किताब, फिर भी कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे अपने मूल विभाग से परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं से वंचित वो हो सकते हैं और तमाम सरकारी सुविधाओं समेत पेंशन से भी हाथ धोना उनको पड़ सकता है और शायद ऐसा कर सरकार विरोधियों को भी देना चाहती कड़ा संदेश। अब इसके पीछे के मायने क्या हो सकते हैं, कोई मैसेज देने की ये एक कोशिश है, ये कहा भी जा रहा है कि शायद ऐसा करके सरकार विरोधियों को भी कोई मैसेज देना चाहती है, सख्त मैसेज, सख्त संदेश आप कह सकते हैं। स्पाईवेयर तकनीक का दुरुपयोग चिंता का विषय है। स्पाईवेयर तकनीक का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है इसको लेकर तमाम जो खबरें आ रही हैं दुरुपयोग की वो चिंता का विषय है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चिंता जाहिर की है और दक्षिण मध्य एशियाई मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा है नागरिकों, आलोचकों, पत्रकारों, विरोधियों, किसी के भी खिलाफ इस तरह की तकनीक का उपयोग हमेशा चिंता का विषय है। इसको लेकर सभी को सोचने की आवश्यकता है, अलग अलग देशों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब ये दक्षिण मध्य एशियाई मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि नागरिकों, आलोचकों, पत्रकारों, विरोधियों, किसी के भी खिलाफ इस तरह की तकनीक का अगर दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमेशा से ये चिंता का विषय है, इस पर सोचना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में चाणक्य का आकलन है ग्लोबल मीडिया के प्रोजेक्ट पेगासस के होंगे दूरगामी परिणाम। अब ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स में चाणक्य का ये आकलन है
जिसमें कहा गया कि ग्लोबल मीडिया के प्रोजेक्ट पेगासस के दुर्गामी परिणाम दिखाई देंगे होंगे। फोन टैपिंग के खुलासे के बाद चौराहे पर खड़ा है हिंदुस्तान। भारत खुलासों के बाद नया मोड़ ले सकती है घरेलू राजनीति, ये भी कहा गया। नए सिरे से परिभाषित होंगे सरकार और नागरिकों के संबंध। पेगासस इजरायली कंपनी NSO का खुफिया स्पाईवेयर है और स्मार्टफोन पर मैसेजेस, कॉल, ऐप पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री और साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविटी सब कुछ ट्रैक करता है पेगासस, जिसको लेकर अब ये पूरा आकलन है चाणक्य का। तमाम बड़ी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में संडे प्रोफाइल, प्रहलाद सिंह पटेल पेगासस की स्नूप लिस्ट में। प्रहलाद सिंह पटेल का नाम है। जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पेगासस लिस्ट में। पटेल और उनसे जुड़े 15 लोगों के नाम। जबलपुर में भाजपा से जुड़ने के बाद शुरू राजनीतिक सफर उनका हुआ। मध्य प्रदेश में उमा भारती के निकट सहयोगी थे प्रहलाद सिंह पटेल और साथ ही वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे थे प्रहलाद सिंह पटेल। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उमा भारती ने छोड़ी थी भाजपा और उमा भारती के साथ प्रहलाद सिंह पटेल ने भी छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही 2009 में भाजपा में लौटे, चौथी बार दमोह के सांसद बने और शुरू से भाजपा के दबंग नेता माने जाते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब उनको लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर भी अपनी तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल उनको लेकर का पॉलिटिकल करियर रहा है, उसके बारे में जानकारी आपके सामने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सर्वे करवाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सर्वे सोशल मीडिया से जुड़े 10 वर्ष से ज्यादा उम्र के 43% बच्चे, इनमें फेसबुक से जुड़े हुए हैं 37% बच्चे, इंस्टाग्राम से 24% बच्चे हैं और साथ ही 94.8% बच्चे करते हैं इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल। सर्वे में 5,811 लोग शामिल हैं, जिनमें 3,491 स्कूली विद्यार्थी हैं और 1,534 माता पिता, साथ में 786 शिक्षक भी सर्वे में शामिल हैं।